दोस्तों, मैं जेपी भाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य विज्ञान वन वीक सीरीज पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके राजस्थान पुलिस, एसएससी या फिर रीट के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है वो भी आप दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। रेडियो एक्टिविताओं की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियम तत्व और कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। तो यह आप ध्यान रख लीजिए, जो रेडियो एक्टिव है ता है उसकी खोज है हेनरी बेकुरल ने की थी, और रेडियम या कृत्रिम रेडियो एक्टिविता है उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं तो इनको आप स्पेशल से तौर से याद कर ले। जीवाश्मों का आयु निर्धारण में कार्बन 14 तत्व का प्रयोग किया जाता है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जो कार्बन सी 14 तत्व का प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों के आयु निर्धारण में। पृथ्वी व पुरानी चट्टानों के आयु निर्धारण में यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ट्यूमर की जाँच में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। अस्थि कैंसर की जाँच में एवं हृदय विकारों का पता फॉस्फरस 32 से लगाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक पूछ लिया जाता है। कई बार जीवाश्मों की आयु निर्धारण का पूछ लिया जाता है, तो कई बार पुरानी चट्टान है या कैंसर है या कोबाल्ट 60 के बारे में, इनमें के बारे में से ये जो तीन चार क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको कहीं साइड में आप लिख लीजिएगा। ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसको नवीकरणीय होते हैं उनको आप कह सकते हो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस जिसको आप सीएनजी बोल सकते हो, कोयला इत्यादि आपके हैं, ये ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिनका एक क्वेश्चन आता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो नवीनीकरण योग्य, जिनको वापस से नवीनीकरण यानी वापस प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सारे नवीनीकरणीय है या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो यह आप जरूर याद कर लीजिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं, अनवीनीकरण कौन से हैं और गैर परंपरागत या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, इनको आप मोस्टली याद कर ले। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। डॉट्स है वो टीबी या क्षय या तपेदिक के उपचार हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति है। एमडीटी प्रणाली ये कुष्ठ रोग या लेप्रोसी से संबंधित है। एलिसा परीक्षण या वेस्टर्न ब्लास्ट परीक्षण या पीसीआर परीक्षण एड्स जांच में काम में लिया जाता है। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को जेपी भाकर लेकर भी खोज सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए सबसे पहले, तो इसके अलावा हमारे इस वीडियो को आप लास्ट में शेयर भी कीजिएगा। मोंटेक्स परीक्षण है वो टीबी या क्षय उपेदिक तपेदिक के लिए किया जाता है। आँख को प्रभावित करने वाले रोग बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ग्लूकोमा जिसको आप सबल का कह सकते हैं, ट्रेकोमा या केटरेक्ट मोतियाबिंद, ये सारे जो भी रोग है ये आंखों को प्रभावित करने वाले रोग है। मलेरिया, फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहा जाता है। इसके अलावा पीत जमर, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब का रोगवाहक मच्छर होता है। मलेरिया, फाइलेरिया, हाथी पांव, पीत जमर, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जो भी रोग होते हैं वो मच्छर के कारण होते हैं, मच्छर के काटने के कारण होते हैं। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने, वह नाम है वो फंक्स ने दिया था, जो विटामिन की खोज है वो हॉपकिंस ने की थी और विटामिन नाम वो फंक्स ने दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी है वो जल के अंदर घुलनशील विटामिन होते हैं, बाकी जल के अंदर नहीं घुलते, ये आप ध्यान रख लीजिए। विटामिन की कमी से होने वाले रोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें और इस वीडियो को भी आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग बता देता हूँ मैं, रतौंधी या नेत्रों का सुस्तपन जिसको आप कहते हैं जीरोफ्लेथिया, तो यह आप ध्यान रख लीजिएगा। रतौंधी है वो रात को जो नहीं दिखाई देता है उनको रतौंधी रोग कहते हैं, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी वन में है बेरीबेरी रोग, और ये कई बार पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, और आपके पास सीधा ही आपको ऑप्शन दे दिया बेरीबेरी, रतौंधी, स्कर्वी, ऐसे एक दो ऑप्शन दे दिया, तो इसमें आप लिखोगे बेरीबेरी रोग।
और वैसे मोस्टली वेरी वेरी रोग है वो विटामिन बी वन की कमी से होता है। विटामिन बी थ्री जिसको आप नियासिन भी कहते हैं, पेलेग्रा 4D रोग होता है। विटामिन बी 12 है कि रक्त अल्पता यानी जिसको आप एनीमिया कहते हैं वो रोग होता है। विटामिन बी 12 से रक्त अल्पता एनीमिया का रोग होता है। विटामिन सी स्कर्वी, और स्कर्वी रोग क्या होता है कि मसूड़ों से रक्त स्त्राव, मसूड़े हैं उनसे हमारे खून बहना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और जो ये इस रोग को है नाभिक रोग भी कहते हैं, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन डी है उसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है, और जिसको आप रिकेट्स भी कहते हैं, और ये बच्चों में होता है। वयस्क के अंदर ऑस्टियोमलेसिया होता है, ये रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से आप ध्यान रखिएगा, सूखा रोग या रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेसिया वयस्क में हो जाता है। और जो विटामिन डी है उसको आप धूप विटामिन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये विटामिन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। तो यह आप इम्पोर्टेंट ध्यान रख लीजिए कि विटामिन डी का निर्माण किससे होता है, सूर्य की किरणों से। तो ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो विटामिन डी की का है वो सूर्य की किरणों से निर्माण होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, बांझपन या जनन तंत्र प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। विटामिन के है विटामिन के की कमी की वजह से रुधिर का धक्का नहीं जमना या एविरल बहना, यानी एविरल बहने का मतलब है रुधिर लगातार चोट लग जाती है तो एविरल लगातार बहता रहता है, वो विटामिन के की कमी से, यानी धक्का नहीं जमता, यानी जो आप यूँ वापस थोड़े समय बाद में लगने के बाद में जब थक्का यानी वहाँ पे खून जम जाता है वो विटामिन के की वजह से जमता है, और जो अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसका धक्का नहीं जम पाता है, इस कारण से वो एविरल बहता है, तो ये विटामिन के की कमी से होता है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को इस प्रकार के वीडियो और बनाने के लिए आपका योगदान भी आवश्यक है, और वो वीडियो आपका योगदान लाइक और शेयर कर आप कर सकते हैं अपना योगदान इसमें। अगले देखिए क्वेश्चन, रुधिर दाब का मापन सिफिंगोग्राम मैनोमीटर, या आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मैं जी भटक रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हृदय गति का मापन है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG द्वारा किया जाता है। हृदय में पेसमेकर जो धड़कनों को 72 प्रति मिनट को नियंत्रित करता है, जो पेसमेकर है वो हृदय के धड़कनों के लिए लगाया जाता है जो हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करता है। शरीर का रक्त बैंक RBC या हम कह सकते हैं RBC का कब्रिस्तान वो होता है पिलहा, जिसको आप तिल्ली भी कहते हैं। शरीर का दोबारा बता देता हूँ, रक्त बैंक जिसको आप RBC का कब्रिस्तान या पिलहा होता है जो जिसको आप तिल्ली कहते हो। RBC या हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी जो RBC है या हीमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इसी प्रकार WBC का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। RBC या हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, WBC का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास करना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रक्त कैंसर है वो उसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं, जिसमें संयुक्त रुधिराणु WCC की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, यानी सीधी बात है किसी भी चीज़ की स्पीड है जो हमारी बस से बाहर हो जाता है, अनियंत्रित हो जाती है, उसका क्या होता है लास्ट में एक्सीडेंट ही होता है, और यहाँ पर भी यही होता है एक्सीडेंट के रूप में। एक मान लीजिए यहाँ रक्त कैंसर हो गया, यानी इसके अंदर WCC की है वो संख्या अनियंत्रित हो जाती है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिस कारण से रक्त कैंसर का हो जाता है, जिसको हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। सर्वात्रिक जाता यानी जो सबको रक्त दे सकता है वो है ओ नेगेटिव, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। हम ओ ग्रुप को है वो सार्वत्रिक दाता मानते हैं, पर जो ओ नेगेटिव है वो सबको दे सकता है। इसके अलावा AB पॉजिटिव है वो सबसे ले सकता है, यानी सार्वत्रिक ग्राही है वो है AB पॉजिटिव। इसके अलावा जो ब्रेड का निर्माण है, एल्कोहल का उत्पादन है, गोबर का सड़ना यानी गोबर गैस बनना, दूध का फटना या दही का जमना आदि है, ये सारे किण्वन के उदाहरण है, ये आप ध्यान रख लीजिए। ब्रेड निर्माण, एल्कोहल उत्पादन, गोबर का सड़ना, गोबर गैस का
का बनना, दूध का फटना आदि, ये सारे हैं, ये किण्वन के उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों हमारे YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट के अंदर जो यानी मैंने ये वीडियो यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, ये वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे हैं तो इन वीडियो को भी आप एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन के अंदर से मैं लिंक जोड़ दूंगा जो इनको आप PDF के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।